नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ 2019 वाला एस्टेट वाला पेपर। एस्टेट आर्ट्स का पेपर है और लेवल टू के लिए है। लेवल टू कक्षा 6 से 8वीं तक जो TGT लगते हैं उनके लिए होता है और सेट नंबर A है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुजारिश, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये इस क्वेश्चन पेपर का पार्ट नंबर 4 है, सब्जेक्ट आर्ट है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है। षडांग में वर्णित भंग का अर्थ है, ठीक है। तो भंग का क्या अर्थ है षडांग के अंदर? तो इसका आंसर है तुलिका तथा रंगों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रमजनामा किस शैली में चित्रित किया गया है? रमजनामा जो है वो मुगल शैली के अंदर चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पहली बार वास चित्रकला पद्धति का इस्तेमाल किसने किया, ठीक है। तो सबसे पहले वास चित्र शैली पद्धति का इस्तेमाल बंगाल शैली में किया गया है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार का नाम बताएं, कौन थे वो कलाकार? नंबर 2 NS बेंद्रे इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक लयबद्ध रेखा, ठीक है, लयबद्ध रेखा जो है वो सीधी होती है, क्षैतिज होती है, घुमावदार होती है या फिर इसमें से कोई नहीं? लयबद्ध रेखा जो है वो घुमावदार रेखा को कहते हैं, वो घुमावदार होती है। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा किस विद्वान ने की है? तो भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा यशोधर पंडित जी ने की है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रंग है, ठीक है, इनमें से ये सभी जो रंग है वो गर्म रंग है, नारंगी, लाल और पीला। अगला प्रश्न हमारा है, प्रवाह का अर्थ है, प्रवाह का क्या अर्थ है? प्रवाह का अर्थ होता है गति, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है, मुगल स्कूल का स्वर्णकाल गोल्डन एज किस शासक की अवधि में था? मुगल स्कूल का जो गोल्डन समय है वो ऑप्शन नंबर शाहजहां के समय में माना गया है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। बाकी आप इस प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगला प्रश्न हमारा है, इम्पेस्टो तकनीक संबंधित है, इम्पेस्टो तकनीक किससे संबंधित है? चित्रकारी से, छापा चित्र से, मूर्तिकला से या फोटो से? दोस्तों ये चित्रकारी से संबंधित जो है तकनीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, काले और सफ़ेद रंग से चित्रित बनाने को जाना जाता है, यानी कि जिस चित्र को हम काले और सफ़ेद रंग से बनाते हैं वो क्या चीज उससे जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? इसमें श्वेत और श्याम वर्ण, ठीक है, उसको ऑप्शन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो 4 है इसका आंसर है। शर्म की विजय मूर्ति बनाई गई है, श्रम पर विजय मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? ऑप्शन नंबर 2 देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा यह मूर्ति बनाई गई है। अगला प्रश्न हमारा है, नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस के तंबू में क्या चित्र बनाए, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर, उन्होंने पोस्टर चित्र वहां पर बनाए थे। उपयोगी कला का संबंध है, उपयोगी कला का संबंध किससे है? आभूषणों से है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन दिए हुए हैं, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला और फोर्थ ऑप्शन था आभूषण, तो इसका संबंध जो है वो आभूषण से है। अगला प्रश्न हमारा है, मुगल स्कूल चित्रकला का पतन कब आरंभ हुआ, ठीक है ना, कब पतन हुआ नहीं, कब आरंभ हुआ? दारा शिकोह के काल में, अकबर के काल में, औरंगजेब के काल में या शाहजहां के काल में? तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, ऑप्शन नंबर 3 औरंगजेब के काल में यह क्वेश्चन पतन जो इसका आरंभ हो गया था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, रंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? रंग का सिद्धांत F.A. टाइलर, N. नोबलर, लेटो, श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर 1 F.A. टाइलर के द्वारा रंग सिद्धांत दिया गया है। प्राथमिक रंग है लाल, नीला, पीला, ये सभी जो है वो प्राथमिक रंग है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाना किस उम्र में आरंभ किया, शुरू किया, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो गलत है, इसके अंदर
तो आप जरूर इस क्वेश्चन को देखें, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। यथार्थवादी और ठोस दिखाने के लिए प्रकाश और छाया के माध्यम से बनाया गया चित्र कहलाता है। यथार्थवादी और ठोस दिखाने के लिए प्रकाश और छाया के माध्यम से बनाया गया चित्र कहलाता है, क्या कहलाता है? थ्री आयामी, थ्री डायमेंशन। नजदीकी रेखा खींचकर प्रकाश और छाया का प्रभाव उत्पन्न करना, क्या करता है? यानी कि नजदीक की रेखा खींचकर प्रकाश और छाया का प्रभाव उत्पन्न करना, यह हैचिंग कहलाता है। निम्नलिखित रंगों में से कौन सा ठंडा रंग नहीं है? नहीं पूछा गया है। नीला, हरा, लाल और हल्का नीला, तो ऑप्शन नंबर तीन, ठीक है, लाल। कला शब्द का परिचय सबसे पहले कहाँ हुआ? कला शब्द का परिचय सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, 13वीं शताब्दी में। सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम वास पद्धति का आरंभ किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर है। तरल पदार्थ जो ऑयल पेस्टल से बने चित्र में स्थिरता के लिए लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फिक्सेटिव, ऑप्शन नंबर थ्री। अगला प्रश्न हमारा है, कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की विधि को कहते हैं। कपड़े के ऊपर जब हम मोम लगाकर उसको रंगते तो उस पद्धति को बाटिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर फोर। भित्ति चित्रण पद्धति का प्रारंभ हुआ? भित्ति चित्रण पद्धति का जो शुरुआत जो है वो कब से मानी गई है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फोर, अजंता की गुफाओं से। भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ? भारतीय चित्रकला का जो उद्भव है वो चट्टान चित्रकारी से हुआ है, पत्थरों से, पत्थरों के ऊपर चित्रकारी की जाती थी पहले। इसमें से कौन सी प्लास्टिक कला नहीं है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 118 है, इसमें से कौन सी प्लास्टिक आर्ट नहीं है? थ्री संगीत, ऑप्शन नंबर तीन। दीवार चित्रकला, भित्ति चित्रकला के लिए किस सतह का प्रयोग किया जाता है? दीवार चित्रकला के लिए दीवार का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर। 120वां प्रश्न है, एक रंग में बनाए गए चित्र को कहते हैं, एक ही रंग में बनाए गए चित्र को कहते हैं एकल रंग, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तेल चित्र में आवश्यक नहीं है, तेल चित्रण में अवकृत इनमें से क्या चीज आवश्यक नहीं है? पानी की आवश्यकता नहीं है इनमें से। नीले और पीले रंग का मिश्रण क्या कहलाता है? हरा, नीला और पीला यदि मिलाते तो हरा रंग बन जाता है, ऑप्शन नंबर चार इसका आंसर है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? वाइट, ग्योर उसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसका सही क्रम आप देख सकते हैं, नंबर टू VIBGYOR, वाइट ग्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रंगों के विकास के सही कालक्रम के क्रम का चयन करें। रंगों के विकास के बारे में क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है। सबसे पहले वनस्पतिक रंगों का से काम होता है, उसके बाद खनिज रंग, ऑप्टिकल रंग्स आए, उसके बाद में सिंथेटिक्स रंगों का प्रयोग किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। और 126वां क्वेश्चन है, पद्म पाणि बोधिसत्व है, क्या है ये? बाघ गुफाओं में है, जोगीमारा की गुफाओं में है, अजंता की गुफाओं में है, सिंगरिया की गुफाओं में। पद्म पाणि बोधिसत्व जो है वो अजंता की गुफा में है, ऑप्शन नंबर तीन इसका आंसर है। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ पर हुआ? ठीक है, अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी में हुआ, ऑप्शन नंबर एक। 128वां प्रश्न हमारा है, जल रंग उपलब्ध होते हैं, जल रंग उपलब्ध कहाँ होते हैं? केक के रूप में भी आते हैं, ट्यूब के रूप में भी आते हैं, बोतल के रूप में भी आते हैं, और आजकल तो पेंसिल के रूप में भी ये आने लगे हैं, ऑप्शन सभी ये इसका आंसर है। राजस्थानी चित्रकला में किस रंग का उपयोग किया गया है? ठीक है, राजस्थानी चित्रकला में पूछा गया है तो किस रंग का प्रयोग किया गया है? टेम्परा रंगों का उसके अंदर प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक घन नहीं है? घन नहीं है, ईंट, अमरूद, पुस्तक और बक्सा, ठीक है, ऑप्शन नंबर टू अमरूद। संथाल परिवार मूर्ति बनाई गई है, बीपी राय चौधरी, राम किंजर बैज, असित कुमार हल्दार या फिर नंदलाल बोस, ये बनाई गई है राम किंजर बैज के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, वर्णिका भंग क्या है? वर्णिका भंग विभिन्न रंगों की मिश्रित छाया चित्र के अंदर, उसको हम वर्णिका भंग बोलते हैं। किशनगढ़ स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? इनमें से सूरजमल, सॉरी सुरजन, सवाई जयसिंह, निहाल चंद या अब्बुल हसन,
तो क्वेश्चन नंबर 133वां देख रहे हैं, निहाल चंद जो है किशनगढ़ शैली का एक प्रसिद्ध चित्रकार है। और इसी प्रकार 134वां प्रश्न हमारा है, अजंता गुफा चित्रों का माध्यम क्या है? तेल चित्रण, जल रंग, फ्रेस्को या वस्त्र चित्रण? इसका आंसर है नंबर 3, फ्रेस्को। प्रीपेक्षय कितने प्रकार का होता है? प्रोस्पेक्टिव जिसको बोलते हैं, कितने प्रकार का होता है? 2, 4, 8 या फिर 3 प्रकार का? तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो 2 या 3 प्रकार का दिया गया, कहीं कहीं 2 प्रकार का, कहीं कहीं 3 प्रकार का है। तो आप इस क्वेश्चन के बारे में आपकी क्या राय है, अच्छी तरह से स्टडी करें और कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर चर्चा करें, लिखें, ठीक है। 1 और 4 इसका आंसर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कला में भाव की भूमिका क्या है? कला में भाव की भूमिका क्या है? अभिव्यक्ति को दिखाने के लिए, अभिव्यक्ति हेतु जो है भाव का प्रयोग किया जाता है चित्र में। अगला प्रश्न हमारा है, एक समय में घन की कितनी सतह देखी जा सकती हैं? एक समय में घन की कितनी जो है वो सतह को देखा जा सकता है? एक बार में हम 3 सतह को देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार की सामग्री को छिपाकर, सॉरी, विभिन्न प्रकार की सामग्री को चिपकाकर बनाए गए चित्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, उसको कोलाज बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल से जब हम किसी चीज को चिपका कर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 3, कलाकार सामंजस्य उत्पन्न करता है, किससे करता है? रेखा द्वारा, रूप से, रंगों से या फिर इन सब के द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर 4, इन सभी के प्रयोग करके कलाकार चित्र में सामंजस्य उत्पन्न करता है। वसली क्या है? तकनीक, माध्यम, विधि, चित्रकला के लिए उपयुक्त सतह। 4th इज द राइट आंसर, चित्रकला के लिए उपयुक्त सतह। 41वां क्वेश्चन हमारा है, चित्रकला के लिए कौन सी सतह का प्रयोग किया जाता है? चित्रकला के लिए दीवार पर, कैनवस पे, ताड़ पत्थर पे, ये सभी, इन सभी के ऊपर ही हम चित्रकारी कर सकते हैं। 142वां प्रश्न है, राजस्थानी पेंटिंग में कौन से देवी या देवता का सर्वाधिक चित्रण किया गया? राजस्थानी पेंटिंग में शिव का, सती का, राम का या कृष्ण का? तो कृष्ण का जो है सबसे अधिक चित्रण राजस्थानी पेंटिंग में किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, यामिनी राय की चित्रकला की मुख्य विशेषता है? यामिनी राय के चित्रों की मुख्य विशेषता जटिलता है, सरलता है, कोमलता है या फिर कठोरता है? सरलता उनके चित्रों की मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न हमारा है, नंदलाल बोस अध्यक्ष थे, किसके अध्यक्ष थे? विश्व भारती कला भवन के, उद्योग कला संस्थान के, ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट के या कला निकेतन के? ठीक है, तो वो थे विश्व भारती कला भवन के अध्यक्ष थे। रेखाओं के कितने प्रकार होते हैं? खड़ी रेखाएं, सीधी पड़ी हुई रेखाएं, चक्राकार रेखाएं, ये सब। तो इन ऑप्शन में जो दी गई है वो सभी प्रकार की रेखाएं होती है। अगला प्रश्न हमारा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहा जाता है? ठीक है, प्रीपेक्ष्य, पोत, रूप या रेखा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग रेखा, ऑप्शन नंबर 4, लेकिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड ही कहा जाता है, क्योंकि रेखा का कोई अंत नहीं होता, वो अनंत होती है, उसको कोई स्टार्टिंग पॉइंट या अंतिम पॉइंट नहीं होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दिए गए, रेखा हमारा आंसर है। लाल रंग का मानसिक प्रभाव क्या होता है? लाल रंग का मानसिक प्रभाव इनमें से गुस्सा होता है, ठीक है, जो ऑप्शन दिए गए हैं। नागरीदास ने बनी ठनी का वर्णन किया था किसमें, किसके रूप में? सीता के रूप में, राधा के रूप में, नायिका के रूप में या पार्वती के रूप में? तो नागरीदास ने इसके अंदर राधा के रूप में जो है उसका बनी ठनी का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कैनवस पर ऑयल चित्र बनाने का सही क्रम कौन सा है? ऑयल कलर बनाने का सही क्रम है, सबसे पहले स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर हम प्राइमिंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे, उसके बाद फ्रेमिंग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, भरत मुनि ने कितने प्रकार की रस का वर्णन किया है? ठीक है, भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों का प्रयोग किया है, सॉरी वर्णन किया है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।